उधर दो, इनको भी देना। हम कोई भीख मंगे थोड़ी हैं, हम लोग क्यों बैठे उन लोगों में हैं? और मांग के खाने से कोई भीख मंगा थोड़ी हो जाता है, क्यों बापू हैं? ना बोलता बहुत है, खाने के समय में बोला नहीं करते। जल्दी से खा ले, फिर दोबारा जाके ले आना, आज कोई ना नहीं रहेगा। बड़े आदमी की फूफी जो मरी है। बापू सिर्फ आलू पूरी क्यों खिला रहे? मरने वाली को वही पसंद था। अब क्या पता, शायद हलवा पूरी भी खाती हो। ये जो सस्ता बने वही खिला देते। अब ये भी कोई देख थोड़ी रही है। तो फिर बोलने लगा, जा दोबारा ले आ, दो पूरी झोले में डाल ले बहू के लिए। अब इस हालत में पूड़ियां खा के मरेगी नहीं? बगैर खाए भी तो मर जाएगी, दो दिन से कच्चे मटर खा रही है। चोर लोगों, कहाँ चले जा रहे हो? सेठ, कोई काम हो तो बताओ। कोई काम नहीं है। नहीं, वो लकड़ी काटी थी तुम्हारे लिए पिछली बार। मुझे सब मालूम है, आधा वक्त बैठ के बीड़ी चिलम पीते रहते हो, हैं? चलो निकलो यहाँ से। बीड़ी चिलम कुछ है ही नहीं सेठ। मैंने कहा ना, निकलो यहाँ से। ये इतनी बातें ना बनाओ, चलो। मिट्टी उठाने के लिए कहा था तुझे नान भाई ने, दो चार आने तो मिल ही जाते। बहुत नींद आ रही थी बापू, वो पूड़ियां कुछ ज्यादा भारी हो गई। बहू ने कुछ खाया? हाँ, पर उसके पेट का दर्द अभी तक कम नहीं हुआ। अबे वो पेट का दर्द नहीं है, वो कोक का दर्द है। मेरे ख्याल में तो दो एक दिन में किसी भी वक्त बच्चा पैदा हो जाएगा। अच्छा। तो फिर दाई को बुलाना चाहिए ना? दाई 5 रुपए और कपड़ा मांगती है। 5 रुपए मजाक है कोई? ये भी क्या पड़ी थी शादी करने की? पर तुमने भी तो की थी बापू। उधर मत जाइयो बे, ये उनका कुआं है, किसी ने देख लिया तो जान से मार डालेंगे। हाँ तो उसको भी तो मना करते, उसके भी तो जान को खतरा था। बापू, अब उसने तो इसको छू लिया, अब ये तो उनके किसी काम का नहीं रहा है ना। पर उनको क्या पता? हमें तो पता है, हम उनका धर्म बचा देते हैं। क्यों? पता नहीं क्या बोलता रहता है ये तो।
ये ले पकड़। इतनी लंबी रस्सी धरूंगी अब पा जाने मेरे। ताड़ी भी तो मिल गई, साथ में बधिया के लिए दलिया भी मिल गया। क्यों पुण्य का काम करोगे बेटा तो ऐसे ही हुआ। पर उस रस्सी में अगर डोल भी बंधा होता तो ताड़ी के दो दो प्याले हो जाते। क्यों बापू अरे पागल है क्या, ताड़ी की दुकान पे क्यों बैठते? वहाँ ठेके की दुकान पे बैठते संतरे की खिची पीते। वो तो सही है, फिर ये चना मटर थोड़े ही साथ में होता, कलेजी कबाब भी होता है। क्यों क्या हुआ? जो खाया था सब उल्टी कर दी बापू। मुझे तो लगता है बचेगी नहीं। जिंदगी में तो ऐसा नहीं होता, सवेरे से तड़प रही है दर्द में। उसको मरना है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? कितनी बुरी तरह तड़पती है। तो उसके पास जाके क्यों नहीं बैठता? मैं उसके पास बैठकर क्या करूं बापू, मुझसे नहीं देखा जाता। बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ जिंदगी का सुख भोगा उसी से बेबा भाई। उसका वो हाथ पांव पटकना मुझसे नहीं देखा जाता बापू। बस गरम है बे। लगता है बचेगी नहीं, चुड़ैल का पसाब लगता है। और यहां तो ओझा भी एक रुपया मांग रहा है। मैं सोचता हूं माधो, कोई बच्चा अच्छा हो गया तो ये सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में? सब मिल जाएगा, भगवान बच्चा तो दे। ये लोग जो पैसा नहीं देते ना सब आके देंगे। हमारे दुख में उन्हें अपनापन नजर आना चाहिए तब देंगे। तो उसके पास क्यों नहीं जाता? मुझे डर लगता है। जो कहेगा मैं हूं ना यहाँ। तो तू जाके देखना, लग जाएगी नहीं मुझसे? उसे अपने तन की सुध नहीं होगी, मैं जाऊंगा तो हाथ पांव भी नहीं पटक सकेगी खुल के। अब मेरी औरत मरे थी
तीन दिन तक हिला नहीं था मैं उसके पास। सवेरे भी आलू, दिन में भी आलू, रात में भी आलू। भाई ठाकुर की बारात याद आ गई। 30 साल पहले की बात होगी। ऐसा भोज था, इतना भरपेट तो मैंने कभी खाया ही नहीं। क्यों, बहुत तरह के आलू बने थे क्या? अरे नहीं रे, दही था, चटनी थी और मिठाई। मिठाई में क्या क्या था? मिठाई में बालूशाही थी और बूंदी के लड्डू। जो चाहे मांगो, जितना चाहे खाओ। अच्छा। अरे अफसोस तो ये होता था कि बाराती थाली भर भर के फेंकते थे, और बाद में चाहो तो पान खाओ, पर पेट में जगह कहाँ थी। बच्चा पेट में ही लेकर मर गई, सारा बदन नीला पड़ गया, जहर हो गई जहर। अरे ले गया ले, अरे ले गया ले, ठकराए, अरे लुट गया, अरे ठकराए, ठकराए। ये लो, ये भी लो। अरे मेरा बच्चा अकेला रह गया रे। अरे क्या हुआ क्या? पदिया मर गई, पेट में बच्चा लेके मर गई। अरे मेरा बच्चा अकेला रह गया रे। अब चुप करो। अरे कमल के लिए कुछ तो दे दो, एक देना नहीं है जेब में हमारे। अरे क्या जुलम कर दिया तूने? अरे सेठ थोड़ी लकड़ी भी दे दो, पुण्य का काम होगा, जलाने के काम आएगी। वो उठा लो। उठा ले बेटा। अरे ये वाली नहीं, ये तो कटी हुई है, वो उठाओ, वो दोनों, और जाके काट लेना। अरे भैया, नाना बच्चा है, नाना बच्चा मेरा। ना भाई ना, अरे भैया रे। भटकते होंगे बेचारे कहीं, चार पैसे हाथ आ जाएं तो अर्थी उठाने का इंतजाम करें। लकड़ी तो काफी जमा हो गई जलाने के लिए, और ये कुछ 5 रुपए से ऊपर ही जमा हो गए हैं। खैर लकड़ियां तो काफी मिल गई घरों से बापू, अब कफन चाहिए बस। कोई हल्का सा खरीद लेंगे। हाँ
लाश उठते उठते रात तो हो ही जाएगी, और रात में कौन देखता है कफन कैसा है। ऐसा करेंगे, अर्थी बना के शाम को जाएंगे कफन लेने के। पर तब तक अकेली रहेगी घर में? अरे जब जिंदा थी तब भी तो अकेली रहती थी घर में। क्या क्या चाहिए? कफन चाहिए था, सस्ता वाला। कितना चाहिए? कितना चाहिए होगा? दो तीन गज। तीन गज तो लगेगा। तीन गज लगेगा। एक गज का एक रुपया दो आना। एक गज का एक रुपया दो आना। एक गज कैसा बुरा रिवाज है। मेरे जीते जी जिसके बदन पे चिथड़े थे, मरने के बाद वो नया कफन पहनेगी? और नहीं तो क्या? और वो भी लाश के साथ जली तो जाता है। और क्या, यही 5 रुपए उसकी जिंदगी में मिल गए होते तो दवा दारू करते ना बचती, और पेट में दम तो नहीं रहता। एक बोतल संतरे की देना, तेज वाली। अच्छा, कितना हुआ? 1 रुपया 10 आना। महंगी हो गई क्या? भर में से पानी पकड़ ले। आजा बैठ जा। ये ले तू डाल, मैं आता हूँ। कलेजी खाएगा? हाँ ले लो। ले बापू, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी है। असली संतरे की है।
नया कफन लगा देते तो क्या होता? चली तो जाता, बहू के साथ तो नहीं जाता। पर अभी तो सारा का सारा हमारे पेट के अंदर गया। बापू तो हजारों ब्राह्मणों को दे देते हैं, किसी ने बोलो जाके देखा है कि मिलता है कि नहीं। बड़े आदमियों के पास है तो फूके, उनके पास बहुत कफन है, जीने के लिए भी मरने के लिए भी। फूको, हमारे पास क्या है फूकने के लिए? बापू, लोग पूछेंगे कफन कहाँ है तो कचौड़ी खाएगा? कचौड़ी लाता हूं। कलेजी और ले आया, तुझे पसंद है ना? ओ बापू, एक ना एक दिन हम लोग भी वहीं जाएंगे ना। तो वो हमसे पूछेगी कि हमें कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या कहेंगे? कहेंगे तेरा सर। वो पूछेगी तो जरूर जरूर पूछेगी। अरे तू मानता क्यों नहीं है कि उसको कफन मिलेगा? उसको कफन मिलेगा? कौन देगा? वही लोग देंगे जिन्होंने ये दिया। लाश चढ़ेगी, गंग आएगी, फिर उठाएंगे वो लोग। रुपया नहीं मिलेगा ना, नहीं अपनी गंदगी खुद उठा ले। हमने थोड़ा ही मारा उसे, जिन लोगों ने मारा उसे उन लोगों ने कहेगा देखा भरपेट का, और उसको आशीर्वाद दे जिसकी कमाई है, वो तो मर गई और तेरा आशीर्वाद से जरूर पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा। चमकावे ठगनी, ठगनी क्यों ना?
ठगनी ठगनी Oh.